राधे राधे एवरीवन, मेरी चौथ करवा चौथ आने वाला है और हम महिलाओं के लिए करवा चौथ का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सभी करवा चौथ की तैयारियों में लग गए हैं। आज की वीडियो में करवा चौथ व्रत पूजा के लिए जो जो सामग्री हमें चाहिए होगी वो सारी सामग्री दिखाई है। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इस तरह की चौकी चाहिए होगी, तो देखिए हम इस तरह की चौकी या पटा या पटला जो भी हम बोलते हैं ले लीजिए। और इसके साथ ही आप एक लाल रंग का कपड़ा ले लीजिए जो हमें चौकी पर बिछाना है। और उसके बाद हमें पूजा करनी होती है, उसके साथ साथ हम करवा चौथ माता की फोटो या कैलेंडर लेना होता है। तो देखिए इस तरह का कैलेंडर या फोटो आपको बाजार में मिल जाते हैं। तो देखिए इसमें कहानी भी लिखी होती है, तो आप इसमें से कहानी सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आप इसमें से कहानी पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही हमें करवा लेना होता है, तो देखिए मिट्टी का करवा है, इसमें यहाँ से पानी जाने के लिए जगह है। तो देखिए इस तरह के करवे आपको आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। जब आप ये करवा लेंगे तब साथ में इसका एक ढक्कन मिलेगा और उसके साथ ही एक दीपक मिट्टी का वो लोग देंगे। तो देखिए इस तरह से आपको करवा लेना है, ये सजा हुआ करवा है। इसके साथ साथ एक और करवा लेना होता है। अगर आपके यहाँ सजा हुआ करवा ना मिले तो आप सिंपल करवा भी ले सकते हैं। तो देखिए इस करवे को खाली नहीं रखना है, इसमें चावल दाल या ड्राई फ्रूट भर सकते हैं। ये सासू माँ को देना होता है मिनस्कर। आप मीठा करवा भी ले सकते हैं, अगर आपके यहाँ मीठा करवा ना मिले तो इस तरह का करवा भी ले सकते हैं। और इसके बाद हम लोग पूजा की थाली तैयार करेंगे। तिलक करने के लिए मैंने रोली ली है और यहाँ पर मैंने चावल ले लिए हैं। इसके साथ ही हम लोग कलावा लेंगे जो करवे पर बांधना है और वस्त्र स्वरूप समर्पित करना है। इसके बाद हम अनाज लेंगे, तो देखिए हमने यहाँ पर गेहूँ ले लिए हैं। आप एक कटोरी गेहूँ ले लें, आप बाजरा भी ले सकते हैं। कहानी सुनने के लिए हमें इसकी जरूरत होगी और पूजा के लिए भी जरूरत होगी। साथ में ही देसी घी का दिया ले लेंगे और एक माचिस ले लेंगे। इसके बाद हम कुछ दक्षिणा ले लेंगे, तो यहाँ मैंने दक्षिणा ले ली है। साथ में हमें भोग के लिए मिठाई ली है। आपने जो घर पर पकवान बनाए हैं आप वो भी ले सकते हैं। इसके साथ ही मैंने छलनी ले ली है। तो देखिए रात को हम जब चांद की पूजा करेंगे तब उस समय हमें चाहिए होगी, तो आप छलनी ले लें। साथ में ही मैंने एक लोटा शुद्ध जल ले लिया है। इसके साथ आप करवा चौथ माता के लिए सिंगार का सामान ले लें। सिंगार आपको जरूर लेना है, आप 5, 7, 11 जितना लेना चाहते हैं उतना ले सकते हैं, या आप 16 सिंगार भी ले लें। इसके साथ ही करवा चौथ माता के लिए एक चुनरी लेंगे, तो मैंने यहाँ चुनरी ले ली है। इसके बाद हम लेंगे फूल, तो देखिए फूल पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आपको फूल मिल जाते हैं तो फूल ले लीजिए, अगर फूल नहीं मिलते हैं तो आप बगैर फूल के भी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद हमें अपनी सासू माँ के लिए एक साड़ी लेना है, जब हमें बायना निकालना है तब हमें लेनी होगी। इसके साथ ही आप ऋतु फल ले लें जो भी फल आपको मिल जाए, और साथ ही हमें अपना पीलिया लेना है। पीलिया आपको जरूर लेना है, पीलिया नहीं है तो आप शादी की चुनरी ले लें, ये ओढ़कर हमें व्रत की पूजा करनी है। फ्रेंड्स ये वो सामग्री है जो हमें करवा चौथ व्रत के लिए चाहिए, बेसिक सामग्री यही होती है। इसके साथ ही कहीं कहीं पर कलश स्थापना भी की जाती है। अगर आपके यहाँ कलश स्थापना नहीं की जाती है तो आप इतनी ही सामग्री लें। अगर कलश स्थापना की जाती है तो उसके लिए आप एक लोटा जल ले लें और साथ ही आम के पत्ते ले लें। आम के पत्ते ना मिले तो अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। साथ में ही एक नारियल लेंगे और कलश में डालने के लिए हल्दी सुपारी इलायची चावल लेंगे। इस तरह से कलश स्थापना की सामग्री ले लेंगे। फ्रेंड्स ये थी वो पूरी टोटल सामग्री जो करवा चौथ की पूजा के लिए हमें चाहिए होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो और वीडियो आपके लिए यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें और मेरे सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। राधे राधे सभी को।